So, moving forward from parametric testing to another type of testing that's non parametric testing. There are many situations and conditions where researchers cannot use parametric tests. You remember, there were a lot of assumptions before we use or select any parametric test. For example, uh, distribution, underlying distribution should be normally distributed, then homogeneity of the variance in the groups, etc. So, uh, being student of psychology or social sciences you are confronted with many situations when you have uh, you are restricted or you cannot use parametric testing so the alternative choice for us is to non-parametric testing uh, main reason to apply the non-parametric test include that the underlying data do not meet the assumptions about the uh, population sample uh, the population sample size is too small and the analysis data is ordinal or nominal सो so, अगर हमारे पास हमारा लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑर्डिनल या नॉमिनल है या फिर हमारा सैम्पल साइज बहुत स्मॉल है या हम किसी भी तरह पैरामेट्रिक टेस्टिंग की एजाम्पन्स मीट नहीं कर पा रहे देन आर चॉइस वुड बी टू टेस्ट द है पॉथिसिस नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स डज नॉट एज्यूम द डेटा इज ड्रॉन फ्राम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देर फॉर इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट क्योंकि हम पहले से ए प्रायरी एजाम्शन नहीं करते कि हमारी जिस पॉपुलेशन से हमने डेटा लिया दैट विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों क्योंकि एक तो सैंपल साइज़ भी स्मॉल होता है और कुछ इस तरह का सैंपल है जैसे फ़र्ज़ करें आप फिज़िकली या मेंटली जो आपके इल्सिज़ uh, हैं या फिर इस तरह का डेटा आप लेते हैं जिसमें कि यू अज्यूम के डेटा अंडरलाइन uh, जो हमारा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा सो so, इसको हम नॉन पैराम को एजाम्पन फ्री टेस्ट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स इंक्लूड इसके अंदर हम करते सारा कुछ ही हैं जिस तरह कि हम पैरामेट्रिक टेस्टिंग में करते हैं वी कैलकुलेट डिस्क्रिप्टिव स्टेटस्टिक्स वी कैलकुलेट स्टेटिस्टिकल मॉडल्स वी कैलकुलेट इन्फ्रेंस हम ड्रॉ करते हैं और टेस्ट वैल्यू भी हम कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पैरामेट्रिक में टी एफ या फिर काई काइस्क या फिर रिग्रेशन uh, की हम करते हैं uh, लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि हमारा जो मॉडल स्ट्रक्चर है वो ए प्रायोरी डिफाइंड नहीं होता बल्कि हमारा डेटा हमें बताता है कि हमारा अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनेगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूजली इन्वॉल्व क्वालिटेटिव डेटा याद रखें कि सबसे बड़ी रीजन जब हम स्विच करते हैं फ्रॉम पैरामेट्रिक टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कि हमारा जो डेटा है वो क्वालिटेटिव होता है या फिर नॉमिनल ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डेटा होता है वो हमारा कंटिन्यूस रनिंग स्कोर के ऊपर डेटा नहीं होता सो मोस्ट ऑफ द टाइम इवन क्वांटिटेटिव डेटा इज कन्वर्टेड टू नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा जैसा बहुत सारी सिचुएशंस हैं जब हमारे पास पैरामेट्रिक एजम्पन्स मीट नहीं हो रही या हमारा साम्पल साइज स्मॉल है uh, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा इवन डेटा क्वांटिटेटिव भी है यानी इंटरवल रेशो स्केल पर भी है तब भी हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट चूज़ करते हैं एंड वी कन्वर्ट दैट क्वान्टिटेटिव डेटा इन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल डेटा फ़र्ज करें जैसा सेल्फ इस्टीम है स्टूडेंट्स की सेल्फ इस्टीम आपने एक रनिंग स्कोर लिया हुआ है क्वान्टिटेटिव डेटा लिया हुआ है अब अगर पैरामेट्रिक के बजाय नॉन पैरामेट्रिक यूज़ करना है आपने तो आप उसमें सेल्फ इस्टीम को कैटेगोरिकल बना सकते हैं सो यू कैन कन्वर्ट दैट क्वान्टिटेटिव डेटा इंटू नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा फ़र्ज करें जैसे मैं उसकी तीन कैटेगरीज बना दूँ लो सेल्फ इस्टीम मीडियम और हाई सेल्फ इस्टीम So, uh, these are uh, some of the uh, uh, you know, introduction and prerequisites when and why we will be using non parametric statistics.